वेलकम टू डिजी फॉर टेक। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की टेक्निक्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज है, ट्राई ने रिकमेंड किया है ताकि वो सेटअप बॉक्स को कंपलसरी कर सके, और अगले 6 महीने का कंफर्म टाइम पीरियड दिया गया है कि नेक्स्ट 6 महीने के अंदर पे सभी रेगुलेटरी टीम को, सभी DTH को एक स्टैंडर्ड कोडेक के साथ सेटअप बॉक्स को अपग्रेड करना होगा। Amazon का एक जो ऐप आता है जिसका नाम है ग्रोसरी ऐप प्राइम नाउ, ये ऐप एक प्रॉपर ग्रोसरी पैटर्न के लिए डिजाइटेड ऐप है, जिसमें अगर आप Amazon प्राइम मेंबर हैं तो आपको 2 घंटे के अंदर ग्रोसरी डिलीवरी की जाती है। तो ये जो सेपरेट ऐप है, इसे Amazon मिक्सअप करेगा अपने ओरिजिनल Amazon शॉपिंग ऐप के साथ, उसे इंटीग्रेट कर देगा और ये जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ, हफ्ता 10 दिन के अंदर पे ये इंटीग्रेट हो जाएगा। LG ने आज अपना वही काम चलाओ फोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है LG Style 3। इसमें आपको डुअल कैमरा मिलेगा, रियर पे 48+5 और फ्रंट पे आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल। इसमें 6.1 इंचेस की डिस्प्ले है, क्वाड HD डिस्प्ले दी गई है, 3900 mAh की बैटरी है, टाइप सी है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 12 4G वोल्टी है, फेस पासवर्ड है और इसमें एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और 4GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ। इसकी प्राइस अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। मर्क्यूरी बॉन्ड स्पेस क्राफ्ट जो है वो स्विंग कर रहा है अर्थ की तरफ, यानी कि एक जो स्पेस क्राफ्ट था जो मर्क्यूरी की तरफ भेजा गया था वो अर्थ के पास स्विंग कर रहा है बीम बैक पिक्चर के साथ। उन्होंने 8000 माइल की स्पीड से अर्थ की तरफ स्विंग किया है। पबजी का जो सीजन 13 आ चुका है, यानी कि पबजी मोबाइल पे सीजन 13 आ चुका है, जिसमें टॉय बैकग्राउंड प्लेग्राउंड दिया गया है और रॉयल पास भी अनवीर करना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप पबजी के फैन हैं तो जाइए और खेलिए, एंजॉय कीजिए लॉकडाउन। OnePlus 8 और 8 Pro का इंडियन प्राइस निकल के आ चुका है। OnePlus 8 का बेस वेरिएंट हो सकता है 44,000 से लेके 46,000 के प्राइस पे, और उसका जो टॉप वेरिएंट होगा वो होगा 48,000 से लेके 50,000 का। उसी तरीके से OnePlus 8 Pro का बेस वेरिएंट रहेगा 62,000 से लेके 64,000, OnePlus 8 Pro का टॉप वेरिएंट रहेगा 66,000 से लेके 68,000। OnePlus का बुलेट वायरलेस Z वाला ईयरफोन भी आने वाला है जिसका प्राइस निकल के आया है 4,000 रुपए। OnePlus का ब्रेथ चार्जर निकल के आया है 30 वॉट का वायरलेस वाला, जिसकी प्राइस निकल के आई है 5,000 से लेके 6,000 के बीच। OnePlus 8 और 8 Pro के स्पेक्स भी सामने आ चुके हैं। दोनों में आपको इक्विवेलेंट प्रोसेसर मिलेगा, स्नैपड्रैगन 865, 8GB 12GB रैम का वेरिएंट मिलेगा, लेकिन OnePlus 8 पे आपको DDR4 रैम है और OnePlus 8 Pro पे आपको DDR5 रैम है। दोनों ही में आपको सॉफ्टवेयर सेम मिलेगा, एंड्रॉइड 10 ऑक्सीजन OS। स्क्रीन के साइज में डिफरेंस है, 6.55 इंचेस का OnePlus 8 है और 6.78 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है OnePlus 8 Pro पे। OnePlus 8 90Hz के डिस्प्ले के साथ आता है, OnePlus 8 Pro आता है 120Hz डिस्प्ले के साथ, और दोनों ही फोन पे आपको HDR10+ का कंटेंट मिल जाएगा, एडेप्टिव ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास का भी सपोर्ट मिलेगा और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही फोन सुपर एम्बुलेट डिस्प्ले के साथ आते हैं। और जो है OnePlus 8 वो फुल HD डिस्प्ले के साथ आएगा, और वही OnePlus 8 Pro आएगा क्वाड HD डिस्प्ले के साथ। OnePlus 8 पे आपको 48 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल यानी कि ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। 48 मेगापिक्सल जो कैमरा रहेगा वो सोनी का IMX586 रहेगा, उसके बाद 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। अब बात करते हैं OnePlus 8 Pro का। इसमें 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX689, ये एक कस्टम मेड सेंसर है, और दूसरा रहेगा सोनी का ही 48 मेगापिक्सल का IMX586 वाला, ये अल्ट्रा वाइड पर्पस के लिए रहेगा। उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस रहेगा इस पे और 5 मेगापिक्सल का कलर फिल्टर वाला रहेगा, यानी कि मैक्रो फिल्टर वाला रहेगा। 3x ऑप्टिकल जूम भी रहेगा और OIS EIS के सपोर्ट के साथ आएगा दोनों ही फोन OnePlus 8 और 8 Pro। फ्रंट मेगापिक्सल एज इट इज सेम रखा गया है, 16 मेगापिक्सल सोनी का IMX471 वाला। अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। दोनों ही फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा 60 FPS पे, फुल HD भी करेगा 60 FPS पे।
HD करेगा 480 FPS पे स्लो मोशन पे, और 1080p करेगा 240 पे स्लो मोशन पे, और फ्रंट कैमरा 1080p पे रिस्ट्रिक्टेड है 30 FPS पे। और इस पे आपको 128 GB 256 GB स्टोरेज मिलेगा UFS 3.0 OnePlus 8 पे। OnePlus 8 Pro पे आपको मिलेगा 128 GB 256, लेकिन UFS 3.0 का ही मिलेगा, दोनों पे सेम ही मिल जाएगा। कलर में भी ऑनिक्स ब्लैक, ग्रॉसरी ग्रेसियर ग्रे, ग्रीन मैट वाला, इंटरस्टेलर ग्लो ग्लॉसरी और अल्ट्रा मरीन ब्रू, इस टाइप के कुछ तीन चार कलर सामने आए हैं। और OnePlus 8 का वेट रहेगा 180 ग्राम, OnePlus 8 Pro का वेट रहेगा 199, यानी कि 200 ग्राम। दोनों ही फोन पे आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल जाएगा, वाईफाई 6 का भी सपोर्ट मिलेगा, डुअल बैंड के साथ यूएसबी टाइप सी भी मिलेगा, और यूएसबी की स्पीड रहेगी 3.1 जनरेशन की। डुअल नैनो सिम भी सपोर्ट मिल जाएगा इसमें। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। OnePlus 8 Pro पे IP68 वाला रेटिंग मिलेगा, यानी कि वो वाटर रेजिस्टेंस रहेगा, कंप्लीटली वाटर प्रूफ तो नहीं रहेगा, वाटर रेजिस्टेंस रहेगा। और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको दोनों ही फोन पे मिल जाएगा। और OnePlus 8 पे 4300 mAh की बैटरी है, 30 W ब्रेथ चार्ज के साथ, 30T सपोर्ट के साथ, और 4510 mAh की बैटरी दी गई है OnePlus 8 Pro के लिए, 30 W के ब्रेथ चार्ज, 30T के साथ, 30 वायरलेस सपोर्ट भी दी गई है, और 3 W का रिवर्स वायरेबल चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। Xiaomi का भी एक नया फोन गीक बेंच पे स्पॉट किया गया है, इसका नाम है मी नोट 10 लाइट। इसमें आपको क्वालकॉम का फ्लेक्सिव तो नहीं, स्नैपड्रैगन का 730G या 765G मिल सकता है, 5G फोन रहेगा ये। और इसमें पेंटा कैमरा सेटअप के साथ ये फोन आएगा, और ये प्रीमियम डिस्प्ले यानी कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले और डॉट नॉच वाली डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, इस टाइप की हार्डवेयर फैसिलिटी के साथ ही आ सकता है। रियलमी का भी टीवी को स्पॉट कर लिया गया है, ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन पेज पे रियलमी के 2 TV आ सकते हैं, 43 इंचेस की और 55 इंचेस का। अब 4K TV तो रहेगा, ये दोनों ही टीवी 43 55 दोनों ही एंड्रॉइड टीवी रहेगा, एंड्रॉइड 9 के ऊपर बेस्ड रहेगा। अब बस देखना ये होगा कि रियलमी इसमें भी कलर OS या रियलमी OS घुसाता है या स्टॉक एंड्रॉइड देता है। अब बाकी तो जब आएगा तब पता चलेगा कि इसकी ब्राइटनेस कितनी है, कनेक्टिविटी कितनी है, साउंड आउटपुट कितनी है, डॉल्बी है कि नहीं है, HDR10 सपोर्ट कंटेंट है कि नहीं, और साइड लोड आप ऐप कर सकते हैं कि नहीं, सिक्योरिटी पैच कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्राइस कैसी है। नोकिया का 9.3 और नोकिया का 7.3 का लॉन्च डिले हो गया है। अब ये लॉन्च होगा अगस्त और सितंबर महीने पे लॉन्च होगा ये दोनों फोन। सोनी एक्सपीरिया 5 II, ये एक ऐसा फोन है जो पूरे मोबाइल मार्केट पे सबसे छोटा स्क्रीन डिस्प्ले के साथ 5G फोन लाके देगा, क्योंकि आज के डेट में सब फोन जहां 6.8 इंच तक पहुंच गए हैं, उनके मैक्सिमम साइज प्रो मॉडल या अल्ट्रा प्रो प्लस प्लस मॉडल बोल के, वहां सोनी लाके देगा आपको 5.6 से लेके 5.8 इंच के डिस्प्ले के साइज में, और 6.1 इंचेस टोटल, दो तीन मॉडल इसके आएंगे, 5.6 इंचेस सबसे छोटा इसका डिस्प्ले रहेगा। सैमसंग का जो अभी लेटेस्ट 5G फोन लॉन्च हुआ था, सैमसंग गैलेक्सी A71, जिसकी प्राइस रखी गई थी कमाल की 38,000, उसने बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग नोटिस किया है दिया है अपने कस्टमर्स को, जो कि है डीएसओ मार्क में कैमरा का स्कोर आया है फोटो पे 89 और वीडियो पे 74। आप फ्लेक्सिप का पैसा अगर किसी कंपनी को देंगे और कैमरा मिलेगा जस्ट लाइक 10,000 12,000 के फोन का, तो फिर कोई मैटर ही नहीं करता इस फोन को लेने का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और क्लियर कट न्यूज के लिए, बिना भेदभाव, बिना फ्रेंकली बात करने के लिए, न्यूज सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।